इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से सामने आ रही है। थोड़ी देर में पीयूष जैन की कोर्ट में पेशी की जानी है। पीयूष जैन को लेने के लिए जो गाड़ी है वो थाने में पहुंच चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आपसे थोड़ी देर बाद पीयूष जैन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल सेंट्रल जीएसटी की टीम ने गिरफ्तार किया था इत्र कारोबारी पीयूष जैन को। अब तक करीब 300 करोड़ कैश की बरामदगी हो चुकी है। लगातार अभी भी अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। एसबीआई की टीम वहां पर नोट गिनने की मशीन लेकर भी पहुंची हुई है पीयूष जैन को लेने। इस बीच एक गाड़ी थाने पहुंची हुई है। अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमित, क्या अपडेट है? जानकारी यह है कि एक गाड़ी पहुंची हुई है थाने ताकि पीयूष जैन को लेकर कोर्ट जाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, देखिए तस्वीरें, ये देखिए जो अंदर जिस केबिन में पीयूष जैन है वो देखिए, अभी अधिकारी अंदर घुसे हैं और वो देखिए सबसे पहली तस्वीर आप देखिए पीयूष जैन की। पीयूष जैन नीचे फर्श पर लेटा हुआ है और अभी तक उसने कंबल ओढ़ रखा था, लेकिन अधिकारी अब अंदर गए हैं। पीयूष जैन ने देखिए, पीयूष जैन का चेहरा देखिए, सबसे पहले न्यूज़ नेशन पर ये पीयूष जैन का चेहरा गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि पीयूष जैन को लेकर तमाम तरह की जो बातें हो रही थी, अब अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं काकादेव थाने में और पीयूष जैन को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ जो स्पेशल कोर्ट है वहाँ पर पेश किया जाए। अहमदाबाद की टीम के जो डीजीजीआई के यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं वो ट्रांजिट रिमांड की मांग करेंगे अहमदाबाद ले जाकर, इससे पूछताछ की कोशिश होगी, लगातार इससे पूछताछ की जाएगी। इसका जो छोटा बेटा है पीयूष जैन का, प्रत्यूष जैन, वो अभी अधिकारियों के साथ बाहर आया है, अपने साथ झोले में खाना लेकर आया। ये देखिए पीयूष जैन को अधिकारी अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, उससे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। बाहर एक इनोवा गाड़ी लगी हुई है, मीडिया का अच्छा खासा जमावड़ा है और साथ ही साथ जो पुलिस फोर्स है वो बेहद ज़्यादा है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। अर्श पर रहने वाला व्यक्ति किस तरह फर्श पर उसने पूरी रात बिताई हुई है, पूरी रात इसी एक कंबल में उसने काटी है, उसने भी कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन जिस तरह लगातार जो पैसों की बारिश हो रही है, इतिहास की अगर सबसे बड़ी हम रेड कहेंगे तो वो गलत नहीं होगा, उस रेड में कभी जो सबसे बड़ा आरोपी है जिसके ऊपर ये आरोप लगा है कि वो इतना ज़्यादा पैसा उसने अपने घर में छिपा कर रखा था, इस पैसे को लेकर तमाम ऐसे राज हैं जो अभी उनसे पर्दा उठना बाकी है कि यह पैसा क्या हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है, क्या इस पैसे का आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई संबंध है, क्या उसका इस्तेमाल इन चुनाव में होना था, ऐसे तमाम सवाल है जिनका जवाब देना भी पीयूष जैन को बाकी है। और पीयूष जैन को लेकर यह कहा भी जा रहा है कि जो कानपुर में जिस घर में उसका कैश मिला था वो एक दरअसल एक वेयर हाउस के रूप में उसका इस्तेमाल होता था, नोटों को वहां पर छिपाया जाता था और इसमें कई लोग शामिल हैं, जो नामों का खुलासा होना है वो अभी बाकी है। और ये देखिए पीयूष जैन अब उसको खड़ा किया जा रहा है और पीयूष जैन को बस अब कुछ ही देर में जो बाहर गाड़ी एक लगाई गई है उससे मेट्रोपॉलिटन को मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा। तो ये सबसे पहली तस्वीर है न्यूज़ नेशन पर, क्योंकि लगातार पीयूष जैन गिरफ्तारी के बाद से कल उसका रात में मेडिकल चेकअप हुआ था और उसके बाद रात में ही उसको काकादेव थाना लाया गया था, क्योंकि जो जीएसटी का हेड ऑफिस है कानपुर में वो काकादेव परिक्षेत्र में आता है और इसीलिए इस थाने में इसको रखा गया था और उसी के बाद यहाँ पर रात उसने गुजारी थी। बाकायदा कंबल उसको एक कंबल में उसने रात गुजारी थी और अब देखिए जो उसका बेटा, छोटा बेटा है प्रत्यूष जैन, वो बाहर पहुँचा हुआ है और अपने जो अधिकारी हैं उनके साथ अपने पिता को लेकर यहाँ से जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है जो कि सिविल लाइन्स इलाके में मौजूद है वहाँ पर उसको पेश किया जाएगा। जो अधिकारी हैं उनकी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि तमाम तरह के दस्तावेज मिले हैं, उन दस्तावेजों को लेकर लगातार पूछताछ होगी, क्योंकि जिस तरह से ये बात सामने आई कि पीयूष जैन कह रहा था जितना भी पैसा है उसका पुश्तैनी है, लेकिन जो लगातार वो जवाब दे रहा था अधिकारियों के सामने, उन जवाबों से अधिकारी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। जो अधिकारियों ने पूछा कि जो इतना सोना मिला है वो कहां से आया, तो उसने बताया उसका पुश्तैनी सोना है और जो उसने पैसा इतना है, उसने बताया कि उसने सोना बेचकर इतना पैसा कमाया है, लेकिन इस सोने को उसने कहाँ बेचा ये जवाब नहीं दे पाया था। और ये देखिए अब बस पीयूष जैन बाहर निकल रहा है, एक अधिकारी डीजीजीआई के सामने है और ये देखिए बाहर अच्छी खासा जमावड़ा है और ये देखिए पीयूष जैन गाड़ी के अंदर, पीयूष जैन को बैठा लिया गया है, अब कोर्ट ले जाने की उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। मीडिया का अच्छा खासा जमावड़ा है यहाँ पर राकेश, लेकिन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इनको 14 दिन की ट्रांजिट रिमांड देते हैं या नहीं देते ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब आपको हम दूसरे एंगल से तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए पीयूष जैन बीच में बैठा हुआ है और ये अधिकारी जो है वो आगे बैठे हुए हैं। पीयूष जैन से हम सवाल लेने की कोशिश करते हैं। आपको दिखा रहे हैं कि पीयूष जैन को लेके ये टीम ये निकल रही है।
कोर्ट ले जा रही है, कई सवालों के जवाब में पीयूष जैन से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। उसको मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मीडिया का अच्छा खासा जमावड़ा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो उनको ले गए हैं और अब पीयूष जैन मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के लिए यहाँ से रवाना हो गए हैं। जी राकेश, अमित एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, अदालत के रुख का, अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा, लेकिन इस बीच जो जांच का दायरा है वो अभी कानपुर और कन्नौज या और ज़्यादा बढ़ता नजर आ रहा है आने वाले वक्त में। बिल्कुल यकीनन अनुराग जी, यकीनन, क्योंकि देखिए सिर्फ कानपुर या कन्नौज ही नहीं, इसके कई राज्य गुजरात, मुंबई, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर बताया जाता है कि इसने अपनी एक अवैध संपत्ति भी बनाई थी इन्हीं पैसों से, तो उनकी भी जांच यहां पर होना बहुत ज़रूरी होती है। और अब कहीं ना कहीं जो जाँच का दायरा है वो बेहद ज़्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया गया है इसको और लंबी पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड की कोशिश की जाएगी। अमित, क्या इस जांच में सिर्फ जीएसटी की टीम एक्टिव है या इनकम टैक्स, खबर आ रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद, कुछ और एजेंसीज इस तरीके की? देखिए जब 1 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति हो जाती है तो इनकम टैक्स इन्वॉल्व हो जाती है। इनकम टैक्स और डीजीजीआई की टीम लगातार यहाँ पर पूछताछ कर रही थी, इनकम टैक्स की टीम भी यहाँ पर पहुँची थी, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी टीम ने भी कुछ कन्नौज में ऐसे सामान इसके यहाँ से पाए हैं जिसकी जाँच उपयोगी समझी और जिसके बाद उसकी टीम को भी बुलाया गया था। इतना ही नहीं, ईडी की टीम भी शायद इसमें इन्वॉल्व हो जाए, ऐसी हमको जानकारी मिल रही है, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा है। दुबई में भी इसकी कुछ संपत्ति के होने की बात सामने आ रही है। तो जो जाँच का दायरा है वो बेहद ज़्यादा बड़ा है और इसमें ईडी, आईटी और डीजीजीआई और सेंट्रल जीएसटी तमाम एजेंसियाँ हैं जो अब शामिल हैं और तमाम एंगल से इसकी जाँच करेंगी। ठीक है अमित, ये जो पूरी जांच चल रही है, गुजरात से लीड मिली थी और उसके बाद इसके तार जिस तरीके से जुड़ते चले गए, पीयूष जैन का पूरा कारोबार खुलकर सामने आ गया, करीब 300 करोड़ की नकदी बरामद हो चुकी है। अभी भी जानकारी है जिसका जिक्र अनुराग कर रहे थे कि एसआई की टीम को बुलाया गया, क्योंकि तहखाने में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर अभी तक टीम पहुंच नहीं पाई है, वहां पर खुदाई करनी पड़ेगी क्योंकि कई सारे बक्से वहां से बरामद हुए हैं। तो ये अभी कितनी अकूत संपत्ति मिलेगी ये अभी तक एजेंसियां ठीक से आकलन नहीं कर पा रहे। तो मैंने बताया कि बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और चूंकि जो सवाल के लिए जवाब दे रहा है पीयूष जैन उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है अधिकारी, और इसीलिए लगातार वो जो उनसे पूछताछ कर रहे थे तो उनको बोल बोल जवाब दे रहा था और कहीं ना कहीं जो जवाब थे उनके जवाब से अधिकारी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और इसीलिए उसकी ट्रांजिट रिमांड की कोशिश की जाएगी। बकायदा जो डीजीआई के अहमदाबाद विंग का हेड ऑफिस है, रिमांड की कोशिश की जाएगी, बकायदा जो डीजीआई के अहमदाबाद विंग का हेड ऑफिस है वहां। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे थे कानपुर से, जहां पर इस वक्त पीयूष जैन को अब कोर्ट लेकर जाया जा रहा है पेशी के लिए। एक और बात अनुराग है, जब टीम वहां पर पहुंची तो बड़े आराम से पीयूष जैन सोया हुआ था अभी तक। बिल्कुल, लेकिन मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है और सियासी मुश्किलें किस तरीके से बढ़ेंगी यूपी की विधानसभा चुनाव की, इस पर भी हमारी नजर